हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? हमारे भारत का संविधान। ओके, अब क्या देखा हमने? हेली प्रियांशी एंड सचिन आर वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ 2011 द टीवी विथ अ पेरेंट्स। अब क्या हुआ, हेली प्रियांशी और सचिन अपने मम्मी पापा के साथ वर्ल्ड कप 2011 में देख रहे थे टीवी में। एंड एग्जिस्टिंग शी इज़ गोइंग द बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका। अब क्या हो रहा था, वर्ल्ड कप भारत में मिलेगा या श्रीलंका को? अभी हो रहा था कि किन दोनों में से कौन जीतेगा, हुज विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका हैज़ पुट अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव, बट द फियरनेस बैटिंग फॉर अ इंडिया कैपिटल महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, एवरी वन वॉज अ। अब क्या हो गया था कि मतलब सब लोग सोच रहे थे कि किसको मिलेगा, इंग्लैंड को मिलेगा या भारत को मिलेगा, तो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के कारण भारत जीत गया। अब क्या होगा, भारत क्या हो गया, जीत गया। अब आगे, एवरीवन वाज रिजॉइनिंग इन विक्टोरी, हेली सेड हर मदर विल वाचिंग अ टीवी, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्ट इन अ टाई। क्या उसने क्या बोला, हैरी ने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आपको प्रीवियस मैच के बारे में पता है कि जब क्या हो गया था, मैच क्या हो गया था, टाई हो गया था। हुज डज दैट मीन, नीता बेन सेड, हैली फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक अ क्रिकेट इज अ ICC एंड अ सिस्टमेटिकल फ्रॉम द रूल्स। अब क्या हुआ, नीता बेन ने क्या बोला, नीता बेन कहने लगी, हैली क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल में ICCA ने खूब ही व्यवस्थित नियम बनाए गए, मतलब एकदम सिस्टमेटिकल रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अ टाई इन अ मैच मीन्स दैट अ बोथ टीम हैव एन इक्वल स्कोर। अब क्या बताया गया है कि टाई का मतलब क्या होता है, कि दोनों जो टीम है उनके इक्वल स्कोर हो चुके हैं। इवन द गेम्स लाइक अ फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा हैव देयर ऑन सेट ऑफ रूल्स। अब क्या किया जाता है, इनके ऊपर रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, है ना। इफ अ गेम हैज़ मैनी रूल्स दे टू रन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अ पॉपुलस नेशनल वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रॉम्ड रूल्स। अब क्या किया जाता है, वहाँ पे रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसके अंदर इतने बड़े व्यवस्था पे सुचारू रूप से चलानी हो, नियमों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, तो अगर इसे अच्छे तरीके से चलाना हो तो रूल रेगुलेशंस तो हमें देखने ही पड़ेंगे। अब आगे बताया गया है कि भारत के शासन चलाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जा सकता है, और इसे लिखित या अलिखित भी हो सकता है, जिसकी शुरुआत भूमिका से हुई थी, जिसकी शुरुआत किससे हुई थी, प्रीएम्बल से हुई थी, है ना। और सिस्टमेटिक क्या किया जाता है, अ सिस्टमेटिक ऑफ कंपिलेशंस ऑफ द सेट्स द रूल्स द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज नो एज अ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन अनरिटन फ्रॉम द ओवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट विथ अ प्रीएम्बल। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या किया जाता है, हाउ वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम्ड, भारत में संविधान किस तरीके से निर्मित हुआ था। तो भारत में संविधान में क्या क्या किया गया था, जैसे नेशनल लेवल पे हम देख सकते हैं, तो डेमोक्रेसी हो गया, उसके बाद नेशनल यूनिटी हो गया, तो जैसे लोकशाही, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षित आदि सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिली थी। भारत में स्वतंत्र होने के बाद भी संविधान देखने को मिला था, जिस संविधान में सभा में 9 दिसंबर, मतलब क्या कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोमिनेटिंग एंड अ डिस्ट्रिक्ट गाइड स्कॉलर्स एंड अ लीडर्स। तो क्या किया गया था उस टाइम पे, वहाँ पे क्या बनाए गए थे, स्कॉलर्स बनाए गए थे, जैसे पॉलिटिकल लेवल्स पे आप देख सकते हो, है ना।
तो यहाँ पे हमें बताया गया है जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं को क्या किया गया था, गाइड किया गया था, जिसमें फ्रैंक एंथोनिक नाम से। उसके बाद क्या था, एचपी मोदी ने भी क्या किया था, यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एम मुंशी जैसे अलग अलग मतलब क्या बनाए गए थे यहाँ पे हम देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए लोग बनाए गए थे। सरोजनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित जैसी क्या थी, लेडीज़ भी वहाँ पे शामिल थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे असेंबली में बनाई थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो जिसमें उनको वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें क्या रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी वहाँ पे थे, तो जिसे क्या थे यहाँ पे बताया गया, देखिए 2 period year 11 month 18 days ऑन 26 November 1949 एंड कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन विच इन्फोर्स्ड बाय ऑन 26 January 1950 को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स किस लिए होती है, तो क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हो सके, उसके बाद आइडियाज़ मिल सके, हमारी कंट्री किस तरीके से चलाई जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के रूल रेगुलेशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है कि पावर किसके पास होता है, लीडर के पास पावर होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। डेमोक्रेटिकल रूल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो कि लोकशाही रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलेगा, इस तरीके के सिस्टम बनाए गए, सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यंग के लिए बनाया गया है, वोटिंग्स होती है, पीपल्स किस तरीके से काम करते हैं, इलेक्शंस होता है, तो ये सारे रूल रेगुलेशन जैसे कि कास्ट क्लास वाइज जेंडर वाइज बनाया जाता है, तो ये सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। सिक्युलर का मतलब क्या होता है, सिक्युलर्स में ये बताया जाता है कि रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसे कंफर्म किया जाता है। अ सिक्युलर द नेशनल मीन्स दैट अ गवर्नमेंट डज नॉट बाय कंफर्म नॉर्म्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रिलीजन द सिस्टम द गवर्नेंस द सिटीजन्स आर अ डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन दे आर द बेस देयर इन द फैक्ट एंड रिलीजन एवरी सिटीजन इंजॉइंग द राइट्स द फॉलोइंग बाय टू द रूल रेगुलेशन टू द चॉइसिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ओके, अब हमें यहाँ पे बताया गया है, देखिए आगे हमें बताया है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली टू इनडायरेक्टली पावर्स क्या होते हैं, पीपल्स के पास होते हैं। जो सिस्टम गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाती है तो पावर्स आर नॉट लिमिटेड, तो पावर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्लास हो, जेंडर हो, रिलीजियंस हो। ओके चलिए, तो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ये रहा। चलिए अब हम आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। तो फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट, तो हमारे सरकार को कौन से फंक्शंस दिए जाते हैं जिसमें वो काम कर सकती है, तो फंक्शंस दिए जा सकते हैं जिसमें लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जस्टिस, हमको मतलब कि न्याय चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मांग सकते हैं कि हाँ हमको हमारा न्याय चाहिए। ओके चलिए अब हम आगे देखते हैं। फ्रेडल स्टेट का मतलब क्या होता है, संघ राज्य, जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कुछ संगठक राज्य में होते हैं, मतलब कि क्या होता है, एक साथ मिलकर काम करते हैं, लिस्ट ऑफ यूनियन, स्टेट लिस्ट ऑफ यूनियन, तो उस तरीके से मिलजुल कर जो काम किया जाता है, जिसकी सूची बनाई जाती है पूरे देश में, वो रूल रेगुलेशंस क्या बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, स्वतंत्रता रूप से हम काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में बनाया गया था। ओके, तो उस तरीके के राइट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स में देखिए 26 November 1949 द पुट ऑन 26 January 1950 टू द राइट्स ऑफ सिटीजन, तो सिटीजन्स के लिए राइट्स बनाए गए थे कि किस तरीके से सिटीजन द मोस्ट ऑफ टाइम सिमिलरली इन ऑल अ डेमोक्रेसी कंट्रीज, तो वो डेमोक्रेसी कंट्री में किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी मतलब खुद का मतलब प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके
तो ये यहाँ पे इक्वलिज्म मिल सके, फ्रीडम मिल सके, आसानी से रह सके, प्लेस ऑफ पावर असेंबली हो सके, स्पीच, तो ये सारे राइट्स रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं. ओके, नाउ हियर दिस चैप्टर आर कंप्लीटेड. तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ओके, थैंक यू.